भारत के मुसलमानों के बारे में आप क्या जानते हैं? अजमेर में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमेर में आपका स्वागत है। अपनी सभ्यता, राज्यों, साम्राज्यों, नेताओं, धर्मों, रीति रिवाजों और आचार्यों के साथ भारत पूरे इतिहास में मौजूद है। इसका इतिहास घटनाओं और संघर्ष से भरा हुआ है। हम राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में आए हैं। वहां से 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम अजमेर शहर पहुंचे। अजमेर। हाँ, अजमेर के लोग, मिस्टर खान, यहाँ के प्रसिद्ध यूट्यूबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा छोटा भाई है। ठीक है, चलो चलते हैं। भाई आप ठीक से गाड़ी चला लेंगे? हाँ, कोई परेशानी नहीं। पवित्र शहर। हम अजमेर पहुँच गए हैं। हम जयपुर से यहाँ आए हैं। मजे करो दोस्तों। हम यहाँ के लोगों से मिलकर इस शहर के बारे में और जानने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस शहर के नाम का सीधा मतलब है अपराजित पहाड़ियाँ, और इसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमेर। हाँ, ये अजमेर शहर है। ये सबसे पुराने शहरों में से एक है। और इसका इतिहास 1100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। साथ ही ये राजा पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत की राजधानी भी हुआ करता था। जी, मुसलमानों ने भारत पर 8 शताब्दियों तक शासन किया है। अल मुहल्लब और कुतैबा इब्न मुस्लिम, जो उमैयद राजवंश से थे, उनके बाद अब्बासिद राजवंश के महमूद अल गजलवी, और अंत में थे मुस्लिम मुगल, जिन्होंने जहर अल दीन मोहम्मद बाबर के नेतृत्व में दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया। ये सबसे बड़े इस्लामी साम्राज्यों में से एक था। एक समय ये भारत में सबसे अधिक प्रभाव वाला और सबसे मजबूत इस्लामी राज्य था। इसका शासन 3 शताब्दियों से अधिक समय तक जारी रहा, और अपनी शक्ति के चरम पर इसने विशाल भूभाग पर अपना दबदबा कायम किया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बर्मा के कुछ हिस्से शामिल थे। इस राज्य की अवधि में भारत और विश्व के बीच व्यापार और उद्योग फला फूला। शाहजहां भारत के महानतम शासकों में से एक थे, जिन्होंने भारत का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का निर्माण किया था। साथ ही दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी उन्होंने ही बनाई थी। The splendid tomb which Shah Jahan built 3 centuries ago for his favorite wife. Venerated by Muslims as a holy place, it is certainly the supreme achievement of Islamic art. मुस्लिम मुगलों का शासन अंग्रेजों के हाथों खत्म हो गया, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और 1858 में से ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। उन्होंने भारत के अंतिम शासक मोहम्मद बहादुर को खत्म कर दिया। भारत पर ब्रिटिश शासन 1947 में समाप्त हुआ। इसका कारण कई क्रांतियां और सार्वजनिक विद्रोह था, जिन्हें महात्मा गांधी के नेतृत्व में 30 वर्षों से ज्यादा समय तक चलाया गया था। ब्रिटेन मेड द डिसीजन टू लीव इंडिया। नाउ इट इज फॉर इंडियन लीडर्स टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री। हम यहाँ के बाजार में आए हैं। हर कोई इस मकबरे के लिए यहाँ आए हैं। जी, यहाँ आए हैं। मुइनुद्दीन का मकबरा। मदीना, मदीना, करबला, ये दरगाह अजमेर शरीफ मस्जिद है। यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। ये भारत का एक बहुत छोटा शहर है। हमें सब्सक्राइब करो। यहाँ बहुत से लोग हैं। हर दिन ये ऐसा ही दिखता है। हम मस्जिद की ओर चल पड़े। अंदर कैमरा फोटोग्राफी सख्त मना है, इसलिए मैंने अपने फोन से अंदर का दृश्य फिल्माया है। एंजॉय। Allah
यहाँ आने वाले पहले इस जगह पर वजू करते हैं। ये बहुत पुराना तालाब है, ये लगभग 200 से 300 साल पुराना है। मैंने कभी किसी को ऐसे वजू करते हैं नहीं देखा। ये देखो, वो बस मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। अजीब बात यह है कि मोइनुद्दीन ने जमीन को छुआ और यहाँ से पानी बाहर आया ताकि लोग वजू कर सके। यहाँ का पानी पिछले 800 सालों से नहीं सूखा है। मैंने पहली बार लोगों को यहाँ से आशीर्वाद लेते देखा। लोग इस स्थान से आशीर्वाद लेते हैं। इस जगह का पानी कभी नहीं सूखता है। कब्र यहाँ है, उनकी कब्र यही है और लोग इसके चारों ओर प्रार्थना करते हैं। हाँ, लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तब भारत में कोई मुसलमान नहीं था और हर जगह मुसलमानों को मारा जाता था। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें निर्देश दिया कि मोइन तुम भारत जाओ और वहाँ इस्लाम फैलाओ। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं और विश्वास हैं। क्योंकि यहाँ सभी मुसलमान नहीं हैं। नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते रहते हैं और हम सबका स्वागत करते हैं। पता चलता है कि मोइनुद्दीन एक लोकप्रिय व्यक्ति थे और अच्छे काम करने के लिए जाने जाते थे। यहाँ सभी धर्मों के लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। भारत के मुसलमान बहुत मासूम मुसलमान हैं, क्योंकि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसमें कई संस्कृतियां हैं। जी, यहाँ कई धर्म हैं। हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं, जहाँ हम सभी को एक मानते हैं। और अगर आप भारत में रहते हैं तो यहाँ केवल एक परंपरा नहीं है, हमें कई परंपराओं का पालन करना होता है, क्योंकि भारत अपनी परंपराओं से जाना जाता है। साथ ही आज के समय में भारतीय मुसलमान भारत में रहकर बहुत खुश हैं। हमें कोई डर या चिंता नहीं है। भगवान का शुक्र है कि हम भारत में हैं और बहुत खुश हैं। भारत के कुछ हिस्सों में समस्याएं हैं, लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ दान हो रहा है, ये तो बहुत सारा पैसा है। क्या क्या ये सिर्फ आज का है? हाँ, ये बस कुछ ही घंटों का है। कुछ घंटे? वाह, क्या ये खाने के लिए है? हाँ, खाना बनाने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। ये वो जगह है जहाँ लोग पैसे दान करते हैं। इस पैसे को इस्तेमाल रोजाना खाना पकाने में किया जाता है। भले ही आप इसमें आग जलाए, लेकिन ये कभी गर्म नहीं होता। जी हाँ। क्या? हाँ, वहाँ सोना है, चांदी है और डॉलर जैसी मुद्राएं भी हैं। ओ, वो डॉलर भी देते हैं? हाँ। तो भाई, क्या हो रहा है? ये छोटा बर्तन है, आज रात यहाँ 24,000 किलो खाना बनाया जाएगा और 27,400 लोग आज रात इसमें से खाना खाएंगे। तो अब वो इसमें खाना बनाएंगे? हाँ, वो इसमें खाना बनाएंगे और इसे अल अकबर के बेटे सम्राट जहांगीर ने उपहार में दिया था। और इसकी स्वच्छता कैसी है? इसे धोया और साफ किया गया है। इसमें एक समय का खाना बनाने के लिए लगभग 65,000 रुपए लगते हैं। और ये हर रोज होता है? हाँ, हर रोज। जहांगीर? हाँ। यहाँ दो बर्तन हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा है और वो हर रोज इसमें खाना बनाते हैं, और दूसरा वाला दान के लिए है। वो या तो इसे यहीं खा सकते हैं या इसे घर ले जा सकते हैं। वो यहाँ क्यों आते हैं? वो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, मुख्य कारण आशीर्वाद है। ये विशाल बर्तन भारत का सबसे बड़ा बर्तन है और शायद पूरी दुनिया का भी। इसमें हर दिन भारी मात्रा में खाना पकाया जाता है। वो इसमें पानी डाल रहे हैं। लेकिन पानी नारंगी क्यों है? क्योंकि उन्होंने इसमें केसर डाला है। ये नारंगी है क्योंकि वो इसमें केसर नाम की चीज डाल रहे हैं। तो उन्होंने अभी अभी एक बड़ा चम्मच धोया है। ये मैंने आज तक देखा हुआ सबसे बड़ा चम्मच है। ये चावल है, वो इसे जल्द ही इसे भी डालेंगे। इस चम्मच को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। बिस्मिल्लाह। खजूर और नारियल। और ये रहे चावल। ओ, ये क्या हो रहा है? हो,
यहाँ तेल और चावल हैं। क्या बात है, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे कुक हैं। ये हमारी ओर से है, हमारे परिवार की ओर से। आपके परिवार से? हाँ। वाह, आप $1500 देकर अन्नदान कर सकते हैं। इससे आपको अपना निजी बर्तन मिलता है। आप इस खाने को लोगों में बांट सकते हैं। यहाँ के स्कूल, अस्पताल और आसपास रहने वाले लोगों को ये खाना दिया जाता है। यहाँ आप इसे प्रायोजित कर सकते हैं। तो ये मेरी बहन है, मैं तेजस हूँ। माना जाता है कि ये आपकी इच्छाएं पूरी करता है, यानी आपकी मन्नत। मन्नत का मतलब है आपकी इच्छा। तो लक्ष्य ये है कि हम अपने परिवार के लिए सकारात्मकता प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कोई भी मन्नत या इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ये दयालु व्यक्ति बहुत बड़े दिल वाला आदमी है। इन्होंने हर चीज में हमारी मदद की। और भाई, क्या कभी इससे फूड पॉइजनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता? क्योंकि इतना साफ नहीं लगता। हम पिछले 400 वर्षों से ये करते आ रहे हैं और हम ठीक और स्वस्थ हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक रहेंगे। वो प्रतिरक्षित हो गए हैं। अब हम इनके इसे पूरा करने का इंतजार करेंगे। अंत तक बने रहे। जब तक खाना पक रहा था, हमने मस्जिद के आसपास घूमने का फैसला किया। ये मस्जिद के अंदर है। कुछ लोग तो यहाँ बातें बनाने के लिए भी आते हैं। हम इसके समर्थन नहीं करते। हम मस्जिद के अंदर हैं और यहाँ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। ऐसी चीजें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। कल्पना कीजिए, ये सब मस्जिद के अंदर हैं। क्या अंदर कब्र है? हाँ, अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। तो अंदर मोइनुद्दीन है? हाँ। और लोग यहाँ कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, यह आशीर्वाद लेना है, दुआ मांगना है। मोइनुद्दीन एक सुनी सूफी थे। उनके अपने अनुष्ठान थे और उनके कई अनुयायी थे, और इनमें से कुछ अनुष्ठान मस्जिद और उनकी कब्र के आसपास आयोजित किए जाते हैं। इन्हें धार्मिक विधियां माना जाता है। तो दोस्तों, ये लाइन खाने के लिए है। ये तैयार हो रहा है। लोग यहाँ खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस तरफ लाइन है। मक्खन, तो उन्होंने थोड़ा मक्खन डाला और अब मुझे लगता है कि वो कुछ पॉपकॉर्न भी डाल रहे हैं। ये मखाने हैं। मखाने? और ये क्या है? टूटी फ्रूटी। और अब वो इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। कोई अंदर जाकर और खाना ऊपर ले आएगा। अब ये थोड़ा कुनाफे जैसा लग रहा है। ये कितना प्यारा है। क्या तुम्हें यकीन है भाई? तो हर कोई अपने हाथों से कुछ डाल रहा है, क्योंकि वो इस खाने से आशीर्वाद पाना चाहते हैं। ये मेवा है, मेवा जैसे काजू। उन्होंने वहां खाना निकालने के लिए एक सीढ़ी लगा दी। उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है। यह शानदार है। खाना बांटने का समय आ गया है। वो अपने पैरों के साथ अंदर गया। फिलिस्तीन माशाल्लाह। आ जाओ अजमेर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
वाह, अद्भुत, सचमुच स्वादिष्ट, सच में। तो दोस्तों यही खत्म करते हैं। अजमेर में आपका स्वागत है। मेरे शहर में आपका स्वागत है अजमेर। ईद मुबारक। भारत को मेरे दिन बहुत पसंद है। भारत अजमेर। भारत में स्वागत है। भारत में 200 मिलियन से अधिक मुसलमान रहते हैं। आज हमने एक छोटे शहर में अपनी कहानी फिल्माई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इसे और गहराई से जानें और दूसरा भाग बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मोहब्बत शरबत, अजमेर शरीफ मोहब्बत शरबत। तरबूज। आपका स्वागत है। क्या ये तुम्हारी बेटी है? ये सबसे छोटी बेटी है और वो सबसे बड़ी। इसकी उम्र कितनी है? ये 6 साल की है। क्या तुम हाँ कह सकती हो?